नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, आज रात तक इसे उत्तर दिशा में मूव करेगा, इसके बाद इसका उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में मूवमेंट होगा और 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है इसमें तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 125 to 135 KMPH, गोस्टिंग टू 150 KMPH हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है और इसका डैमेज पोटेंशियल लार्ज स्केल हो सकता है। ये जो विंड अभी इसके साथ चल रहा है सेंटर पे 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, वेस्टर्न से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर गुजरात कोस्ट के पास यानी सौराष्ट्र कच्छ की कोस्ट के पास अभी विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कल सुबह तक ये 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा, वेस्टर्न से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और 15 तारीख सुबह से जो समुद्र की इलाका है सौराष्ट्र कच्छ की कोस्ट के पास वहाँ विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा होने लगेगा। इसलिए 15 तारीख तक पूरा जो समुद्र की इलाका है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और इसके आसपास जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी डिस्टर्ब रहेगा, हाई वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है, जैसे 10 से 14 मीटर वेव डीप सी में डेवलप हो सकता है, मगर 2 से 3 मीटर हाइट का जो टाइडल वेव है वो जनरेट हो सकता है साइक्लोन की वजह से। और उस दिन द्वादशी है, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड जैसे हर दिन आता है ऐसे भी आएगा 3 से 6 मीटर, सो इसके ऊपर और 2 से 3 मीटर हाइट का स्टर्म सर्ज यानी साइक्लोन की वजह से जो टाइडल वेव होता है वो आ सकता है। हमने 14 तारीख से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और कहाँ कहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, मगर 15 तारीख से सबसे ज़्यादा बारिश होगा और कुछ जगह पे हैवी टू वेरी हैवी के साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा यानी 20 से 25 सेंटीमीटर रेनफॉल भी हो सकता है। सो ये तीनों साथ ही साथ होगा, इसलिए इसका इम्पैक्ट को देखते हुए हम लोग बहुत सारी चेतावनी और एडवाइजरी जारी किए हैं। बड़े बड़े पेड़ घिर सकता है, टेलीफोन पोल्स इलेक्ट्रिक पोल्स भी अपरूटिंग हो सकता है, स्टैंडिंग क्रॉप अफेक्टेड हो सकता है, जो थेचर्ड हाउस है कि एजवेस्टर साउथ टीन हाउस स्लम एरिया है वो ज़्यादा तक इम्पैक्ट हो सकता है। ये है कि कितने टाइम तक रहेगा 15 तारीख को जो आप इवनिंग का अलर्ट है, कितने देर तक रहेगा? 15 तारीख इवनिंग के आसपास ये तट को पार करेगा, तो तट पार करने के लिए 3 से 6 घंटा लग जाता है, इसलिए मिडनाइट तक इसका इम्पैक्ट रहेगा।